हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर वन तक हम वन किया था फैक्टर्स निकालना। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड को स्टार्ट। सो स्टूडेंट, इसके अंदर बताना है राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स। स्टूडेंट, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स हमारे वो होते हैं स्टूडेंट जो जैसे हमारी टेबल होती है, टेबल है जैसे टू टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। सो स्टूडेंट, ये जो नंबर आ रहे हैं आपके, ये सब क्या है? टू के मल्टीपल है। मींस कहने का ये है कि ये सारे टू से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने बोला है फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट बताने हैं, मतलब स्टार्टिंग के फाइव बताने हैं। सो स्टूडेंट देखो, फाइव जब हम ये पार्ट को करते हैं तो फाइव वन जा कितना होता है फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो ये स्टूडेंट हमें फर्स्ट फाइव मल्टीपल बताने थे फाइव के, मीन्स हमें फाइव की टेबल को आगे फाइव तक करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ फाइव, फाइव इज कौन कौन से हैं स्टूडेंट? फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा ए पार्ट। लेट मी सी अवर बी पार्ट। ऐसे ही हमें जो हमारा एट है उसके मल्टीपल बताने फर्स्ट। फर्स्ट बोला है तो आपको बीच में किसी भी टेबल में से, बीच में से स्टार्ट नहीं कर देना स्टूडेंट, उसको स्टार्टिंग से लेकर चलना है। मीन्स एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, एट फाइव जा फोर्टी। सो स्टूडेंट ये सब क्या आ जाएंगे हमारे इसके मल्टीपल? तो मल्टीपल ऑफ एट इज कौन कौन से स्टूडेंट? एट, सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी टू, फोर्टी। ओके स्टूडेंट, मीन्स इसका टेबल फाइव, आगे फाइव मल्टीपल्स पूछिए तो फाइव सिक्स भी पूछ सकता है आपसे, सिक्स होगा तो आप एट सिक्स जब भी कर सकते हो। ऐसे नाइन का निकालेंगे स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नाइन, नाइन वन जा क्या होता है नाइन, नाइन टू जा एटीन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स और नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव। सो स्टूडेंट ये किसके आ गए? मल्टीपल ऑफ नाइन। सो मल्टीपल ऑफ नाइन इज कौन कौन से हैं? नाइन, एटीन, ट्वेंटी सेवन, थर्टी सिक्स, फोर्टी फाइव। सो स्टूडेंट ये सब क्या आ गए हमारे मल्टीपल? फाइव, फर्स्ट फाइव पूछा है स्टूडेंट, सो हमें फर्स्ट फाइव उसका आंसर देना है। अब ये हमारे मल्टीपल्स था। क्वेश्चन नंबर टू हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेट मी सी योर क्वेश्चन नंबर थ्री। सो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसके अंदर बोला गया है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम्स ऑफ कॉलम सेकेंड। हमें ये कॉलम वन दिया हुआ है, कॉलम टू दिया हुआ है। स्टूडेंट आप देखो, इसके अंदर फाइव है और इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है। सो स्टूडेंट हम लेकर चलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ एट। मतलब मल्टीपल ऑफ एट का मतलब ये है स्टूडेंट कि एट की टेबल, एट की टेबल एट सिक्स, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, वो इसमें कौन सा नंबर आ रहा है उसको हम मैच करवाएंगे। तो एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन इसमें थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो मल्टीपल ऑफ एट क्या हो जाएगा इसमें? सिक्सटीन हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ सेवन, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सेवन से डिविजिबल है? सो सेवन से कौन सा स्टूडेंट? थर्टी फाइव। ओके स्टूडेंट, मल्टीपल ऑफ सेवेंटी, सेवेंटी को कौन डिवाइड करता है स्टूडेंट? सेवेंटी को मल्टीपल ऑफ सेवेंटी स्टूडेंट, सो स्टूडेंट मल्टी ऑफ सेवेंटी मतलब सेवेंटी का वन फोर्टी ऐसे आएगा, सो वो इसके अंदर नहीं है स्टूडेंट। ओके, सो सी का नहीं होगा कुछ भी। अब डी देखो, फैक्टर ऑफ थर्टी, थर्टी को कौन सा नंबर डिवाइड करता है स्टूडेंट? फिफ्टीन टू जा थर्टी, सो स्टूडेंट इसका आ जाएगा फिफ्टीन। ओके स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ फिफ्टी, फिफ्टी को कौन सा इन दोनों में से नंबर डिवाइड करता है? ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव, कंप्लीटली डिवाइड करना है स्टूडेंट, वो क्या करता है? ट्वेंटी फाइव, सो इसका हो जाएगा ये। फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी, देखो ट्वेंटी को कौन डिवाइड कर रहा है? ट्वेंटी कर रहा है, सो इसका फैक्टर्स क्या हो जाएगा? ट्वेंटी।
सो स्टूडेंट ये हमारा एक एक्स्ट्रा था, इसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होते हैं। जो नंबर आपको दिया हुआ है उसमें से वो नंबर कौन सा इसको डिवाइड कर देगा इस नंबर को, वो हमें बताना है। ओके स्टूडेंट, ये उसका क्या होता है, मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल आपको पता है कि एक तरह से हम टेबल जो हमारा होता है या फिर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो हमारा कहलाता है हमारा इसका मल्टीपल। और ये हमें कॉलम इसमें करवाना था मैच। सो स्टूडेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर देखो, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। देखो अप टू 100 लिखने का मतलब ये होता है स्टूडेंट, अप टू 100 का मतलब ये होता है कि 100 से ऊपर कोई भी नंबर जो उसका मल्टीपल हो वो नहीं जाना चाहिए, मीन्स अबव 100 वो नहीं जाना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। सो स्टूडेंट 9 के मल्टीपल आप लिखो, 9 1 जा कितना होता है 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 36, 9 5 जा 45, यहां से लिखो 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81। अब देखो स्टूडेंट 9 10 जा कितना होता है 90। अभी देखो 90 से अप टू 100 बोला है ना, तो अभी तो 90 से कुछ और आगे आएगा ना कोई नंबर, तो 10 के बाद 9, 11 जा कितना होता है 99। अब देखो स्टूडेंट यदि मैं 11 के बाद यहाँ पे 12 ले लेती हूँ तो 9 × 12 कितना हो जाता है 108 हो जाता है, तो ये मेरा क्या होता है 108 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये अबव 100 हो गया और इसने बोला है अप टू 100। सो स्टूडेंट हमारा यहां तक जो हो रहा है ये हमारे क्या हो जाएंगे मल्टीपल्स। सो स्टूडेंट ये जो मल्टीपल्स है वो हमें अप टू 100 बताना है। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर जितने भी मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स ऑफ 9, वो हमें सब इसके अंदर बता देने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या हो जाएंगे हमारे, मल्टीपल्स ऑफ 9 इज अप टू 100। अप टू 100 तक कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट हमारा क्या है 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99, ये सब क्या हो जाएंगे अप टू 100 तक हो जाएगा स्टूडेंट। इससे नेक्स्ट नंबर जो हम 12 से करेंगे सो स्टूडेंट वो 108 आ जाता है और वो क्या होता है अबव 100 होता है और अप टू 100 बोला गया है। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आपको आई होप समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।